नमस्कार, आप देख रहे भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशांत मिश्रा। देश देशांतर का वक्त हो चला है, तो आइए देख लेते हैं हेडलाइंस। रूस के हमले में यूक्रेन के 198 लोग मारे गए हैं, तो 1000 से अधिक घायल हुए हैं। यूक्रेन की महिला सांसद ने उठाई है बंदूक, रूसी फौजियों से टकराने को है तैयार। एयर इंडिया का विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर लौटेगा वतन। देश में शुरू होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, केंद्रीय कैबिनेट ने दी है मंजूरी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन, रुकी गाड़ियों की आवाजाही। दुनिया के सौदागरों ने खोला मदद का पिटारा। जंग की तबाही झेल रहे यूक्रेन को राहत देने के लिए दुनिया भर के सौदागरों ने अपनी मदद की दुकान खोल दी है। इनमें गोला बारूद की आपूर्ति करेगा फ्रांस, जबकि मेडिकल किट और बुलेट जैकेट डेनमार्क देगा। नीदरलैंड ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने की बात की है, तो वहीं अमेरिका ने 26 अरब रुपए देने की बात कही है। ये देश इतने मददगार जरूर हैं जो मदद की कीमत वक्त आने पर वसूल कर लेते हैं, लेकिन कभी रूस कभी नाटो के पाले में जाने वाले यूक्रेन को लड़ना होगा अपने ही बूते पर। यह जंग इस बात का संकेत देती है कि किसी के भी उकसावे पर किसी ताकतवर देश से लड़ना अक्सर बुरा ही साबित होता है। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर लयास्को ने कहा कि रूस के हमले में 198 लोग मारे गए हैं और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लयास्को ने शनिवार को बताया कि मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। उनके बयान से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि हताहत में कितने सैनिक और आम नागरिक हैं। लयास्को ने कहा कि बृहस्पतिवार को बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइल हमलों तथा उत्तर पूर्व और दक्षिण से यूक्रेन में सैनिकों के अभियान के साथ शुरू हुई रूसी आक्रमण में 33 बच्चों सहित 1151 लोग घायल हो गए हैं। रूस का यूक्रेन पर लगातार तीसरे दिन हमला जारी है। यूक्रेन से एक तरफ दम तोड़ते और मुल्क छोड़ते भागते लोगों की तस्वीर सामने आ रही है, तो वहीं कुछ ऐसी तस्वीर भी है जो वहां के लोगों का हौसला बढ़ा रही है। जंग के बीच यूक्रेन की एक महिला सांसद ने अपने हाथों में हथियार थाम लिया है। उसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिला सांसद का नाम किरा रुद्रिका है। उन्होंने बंदूक थामे अपनी फ़ोटो ट्वीट करते हुए कहा कि मैं बंदूक चलाना सीख रही हूँ, अब हथियार उठाना ज़रूरी हो गया है। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। शनिवार को एयर इंडिया की एक फ़्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से भारतीय यात्रियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गई है। यह फ़्लाइट शनिवार सुबह ही मुंबई से बुखारेस्ट शहर पहुंची थी। इसमें 470 छात्रों को भारत वापस लाया जा रहा है। इस फ़्लाइट के रात 9 बजे तक मुंबई पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद एक फ़्लाइट हंगरी से दिल्ली आएगी। यह फ़्लाइट दिल्ली से हंगरी के लिए निकल चुकी है। वहीं एयर इंडिया की 2 फ़्लाइट को रोमानिया से दिल्ली पहुंचना है। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को पोलैंड और हंगरी के रास्ते वापस लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सेंट्रल सेक्टर स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राष्ट्रीय रोल आउट को 16,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दे दी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 5 साल के लिए मंजूरी दी गई है। एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पदाधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन की एजेंसी का दायित्व संभालेंगे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भूस्खलन की वजह से गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और नवयुग सुरंग के आसपास जमी बर्फ के कारण भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का रास्ता ब्लॉक हो गया। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि भूस्खलन ने नेशनल हाईवे का रास्ता जाम हो गया, इसीलिए हाईवे को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। गौरतलब है कि काजीगुंडी जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जम्मू कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है। देश देशांतर में बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।